ऑफ लंग्स, वेरी गुड। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दिस इज मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? अच्छा अच्छा, ये चार्ली चैपलिन वाला इमेज है। जैसे चार्ली चैपलिन जाते हैं ना शीशों में प्रवेश करके चार ओर इंस्पेक्टर साहब को घुमाते हैं, वेरी गुड। अगला मॉडल क्या है भाई? किसने बनाया ये? आपने, अदिति और मुनमुन दोनों ने। ओके, तो ये कैसे काम करता है? मतलब ज़्यादा विंड जहाँ पे होती है वहाँ पे कार्य करता है ये, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वेरी गुड आइडिया। सो द नेक्स्ट वन इज कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन हीट, कंडक्शन ऑफ हीट थोड़ी एब्सेंट है, जिसने बनाया है वही तो एब्सेंट है। इसमें देखिए कैंडल जल रही है और जब हीट मिलती है ऊपर के ऑब्जेक्ट्स को तो वो मूव करते हैं, यानी ये ऊष्मा का प्रभाव है, वेरी गुड मॉडल। दिस वन इज लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट जो है वो सीधी रेखा में चलता है, स्पायरल नहीं चलता। इसको बनाया किसने है? सो लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैमरा लगा करके। देखिए ये लाइट सीधी दिखाई दे रही है हमें यहाँ से, बहुत अच्छा मॉडल है, वेरी गुड। अगला मॉडल क्या है? कैलिडोस्कोप। इसका ये काम कैसे करता है? अच्छा अच्छा, तो इसमें ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या लगाया हुआ है आपने? अच्छा अच्छा, मैं ये देखूं ऐसे? अच्छा, प्रिज्म लगाया हुआ है इसमें। ओ वाओ, वेरी गुड, स्पेक्टेक्युलर दिख रहा है ये तो, बहुत शानदार दिख रहा है। ये पकड़ना कार्तिक, अब इसको आप घुमाओ। यस, वेरी गुड व्यू, थैंक यू। ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जब हम पानी से भरे हुए ग्लास में पेंसिल को रखते हैं तो वो अपनी साइड चेंज करती हुई दिखाई देती है ना। कॉइन सर? हाँ कॉइन भी सर, ऊपर लगता है सर। कॉइन ऊपर से तो सेम दिखता है। नहीं सर, ऊपर लगता है थोड़ा, लेकिन इधर साइड से देखते हैं थोड़ा ऊपर लगता है। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जिस साइड में हम भेजते हैं जब टेढ़ी रेखा में प्रकाश जाता है तो वो दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाता है, यही है ना? हाँ, थोड़ी साइंस मैंने भी पढ़ी है। अरे वाह, ये ऐसा पेरिस्कोप, ये इंसिडेंट रे आ रही है, यानी आप जो विपरीत दिशा में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सामने कैमरे में से देखिए वो आपको सामने मिलेगा। ये देखिए, आपको दिखाते हैं कैमरे के सामने, आप देख सकते हैं कुछ रखा हुआ है। नैतिक, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। भारत नैतिक। ये देखिए आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, मैरीगोल्ड का फ्लावर दिख रहा है सामने। ये वीडियो बना रहे थे सब, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है भारत और नैतिक अग्रवाल ने।